साथियों नमस्कार। इस समय हम एक नए घर पे हैं और जानेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का आगामी चुनाव है वो 2022 का, उसमें जो है कितना लोग जानते हैं कि आने वाला जो मुख्यमंत्री है वो कौन होगा। और यहाँ पे जो है तमाम लोग हैं, हम जानते हैं। ये बताइए कि क्या नाम है आपका, नाम बताइए पहले। राम रति। राम, ये बताइए चंद्रशेखर को आप जानते हैं कि नहीं जानती हैं? देखे नहीं बेटा। नहीं देखे नहीं, जानती हैं, नाम सुनी है कभी? चंद्रशेखर कौन है? हम नहीं जाने बेटा, नेता बताओ है जब देखे नहीं। अच्छा अच्छा, आप नहीं जानते। मायावती को जानती हैं? हाँ मायावती को जानी थी। अच्छा मायावती को जानती हैं, मिली कभी हैं? हाँ मिली हैं। मायावती कब कब मिली हैं? अरे ऐसे आवत है हम घूमे टहरा तब से दूरी से और का अवस्था नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब आप सम्मेलन में गई होंगी जब उनका जो है रैली वगैरह रही होगी तब आप गई हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि योगी सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, इस समय जो मुख्यमंत्री हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं? नहीं कर रहे हैं। नहीं, अच्छा काम तो नहीं कर रहे। तो इस बार आएंगे पुनः वापस आएंगे जो है मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं। तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अच्छा काम, हम सब बुढ़ापा ही, हम कसे के चार पैसा नहीं दिया था, का जाने कहाँ लुटावाता है योगी। हाँ और का। तो किसकी सरकार लाना चाह रही हैं? मायावती। मायावती तो मायावती जो है ब्राह्मणों का पक्ष ले रही है ना ही, तब के दे उनका वोट? अच्छा फिर नहीं दोगी? नहीं। किसको दोगी? अब जो अच्छा सरकार बनी वही देव भैया। मायावती बाभन का पाठ भरे हैं तो बाभन का ना देव। दादी ये बताइए, आप इतनी बुजुर्ग हैं, पेंशन वगैरह मिली? नहीं बेटा, पेंशन नहीं मिल रही। कौन विधायक कौन है इस समय, जानती हैं? नहीं बेटा। कभी आए हैं इस गांव में? नहीं, कभी नहीं आए। नहीं वोट, वही वोट हुआ था तो वोट के समय में दिखाते हैं हाथ जोड़े बारे। हाँ बस, मतलब वोट के समय आते हैं उसके बाद कभी नहीं? नहीं, हमारे सब के सुनवाई नहीं करते है तब का। वोट देखो तो गोड़े गिरी हैं। वोट लेने को होता है तो आके पैर छू लेंगे। हाँ और उसके नहीं दिखा बेटा। चलिए ठीक दादी। यह गांव सहजीपुर है। सहजीपुर में मैंने जो देखा है, हर घर में जो है कहीं बुद्ध भगवान की फ़ोटो है, कहीं अंबेडकर की फ़ोटो है। एक घर और है देखिए, इस समय जो है एक अंबेडकर की, इस कच्चे मकान में अंबेडकर जी की फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है। ये बताइए बाबा साहब की फ़ोटो किसने लगाया है? हमारे सास ससुर बहुत पूर्वक लगाते। अच्छा, तो बहुत पहले से लगाया? हाँ बहुत पहले से। सास ससुर जी हैं? हाँ नहीं, सास ससुर जी मर गए, सास हैं। अच्छा अच्छा, तो वो बाबा साहब अम्बेडकर जी हैं ना। हाँ। तो ये बताइए चंद्रशेखर को जानती हैं आप? जान देखे नहीं, जानते सुने हैं। अच्छा सुने हैं। हाँ। तो मोबाइल में सुनी होंगी ना? नहीं न्यूज में दिखा थे ना। अच्छा न्यूज में। तो ये बताइए जो है इस जो 2022 का चुनाव होने वाला है उसमें कौन मुख्यमंत्री बनने लायक है? हम मायावती को वोट देंगे। सही हकीकत है ही बात, मायावती। हाँ। तो चंद्रशेखर को वोट क्यों नहीं देंगी? चंद्रशेखर को जानती हैं आप? हाँ जानते, लेकिन भाई मायावती के हर दाई वोट दे रही है। अच्छा इस बार मतलब मायावती को आप देखेंगी? मायावती जो है दिए है, देखे है, फिर देख दे। अच्छा, मायावती के शासनकाल में जो है अच्छा काम होता था? क्या अच्छा काम होता था बताइए कुछ। अरे अच्छा काम, हर चीज़ विद्रोह, हर चीज़ का लड़कों को पढ़ाई लिखाई हर चीज़ सुविधा हो मिल जाता रहे, लेकिन अब की कुछ सुविधा नहीं मिलता है लड़कियों को, कोनो वही नहीं होता है। अच्छा स्कूल जो है, इसको लोग लॉकडाउन में स्कूल सारा बंद हो गया तो सही हुआ था कि नहीं? सही था, मैं समझ सही हुआ। हाँ काका, लॉकडाउन में जब पढ़ाई नहीं, फीस बराबर पढ़ाई कुछ नहीं, और अच्छा पास खराब हो भी पास हो गया। खाते में पैसा आ रहा है योगी जी कह रहे हैं? अरे भाई खाते में एक रुपया नहीं है योगी मोदी के, कोनों के नहीं है पैसा। नहीं योगी तो कह रहे हैं सब सबको सब किया है, लेकिन हमारे खाते में नहीं है, हम दुनिया का जानी। अभी खाते में पैसा नहीं आया? नहीं फ्री पैसा कुछ नहीं, सिर्फ यूनिट पाँच मिला है, पाँच मिला के यूनिट के हिसाब से गल्ला मिला, तो बस ये जाए जो सुविधा होएगा। यानी गल्ला मिल रहा है बस, यही योगी जी अच्छा काम किए हैं? कुछ नहीं, योगी का गल्ला काम करे अच्छा करे हैं, गल्ला मिले तो का गल्ला मिले तो लड़के पढ़ाई लिखाई नष्ट होती है। ऐसे बड़ा का है जब ऑनलाइन अच्छा पास होता है, मेहनत वाले पास होता है।